हाई एवरी वन, दिस इज सिद्धि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होता है, हमें पता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, फिर भी वो मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है या फिर अंदर से डर लग रहा होता है। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स जो मैं फॉलो करती थी जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। ऑल्सो ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट होगा, भले आप कोई भी फील्ड में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, या फिर आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, CA, CS, CMA, NEET, JEE, कोई भी मेडिकल की एग्जाम, whatever, अगर आप स्टूडेंट हो तो आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये पहले समझो कि पढ़े करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, वाई यू डोंट फील लाइक स्टडिंग। इज इट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट और लैक ऑफ मोटिवेशन और फियर ऑफ फेलियर, या फिर अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो अंडरस्टैंड योर रीजन कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। यार पता है कि एग्जाम्स आ रही है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना तो इतने टाइम की जो मेहनत थी, इतने टाइम आपने जो एफर्ट्स लिए, जो सैक्रिफाइसेस किए, वो सारे वेस्ट चले जाएंगे। सो अंडरस्टैंड योर रीजन, क्योंकि एक बार अगर आपको रीजन पता चल गया, अगर आपको आपका नहीं पढ़ने का वाई पता चल गया ना, तो उसको चेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अगर कोई लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, आजकल के जमाने का बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज या तो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, या फिर अगर कोई इंसान से कोई अटैचमेंट है, ये सब। सो अगर मोबाइल फोन है, मैंने जब क्या किया था कि आई न्यू दैट आई वॉज वेरी एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, वेरी एडिक्टेड टू क्रिएटिंग कॉन्टेंट टू माई मोबाइल फोन। मैंने मोबाइल फोन लिया, डब्बे में पैक कर दिया, और मैंने जियो का एक डब्बा फोन लिया 1300 का, आई थिंक जो बटन वाला फोन आता है वो। सो जो चीज डिस्ट्रैक्ट करी है उसको दूर रख दो, क्योंकि अगर आपने अभी ये सैक्रिफाइस नहीं किया और अगर डिस्ट्रैक्शन में रह गए तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें अटेम्प्ट लग जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो डिस्ट्रैक्शंस है, दूर रखो। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बंद कर दो यार अकाउंट, किसी को पड़ी नहीं है आपकी, ट्रस्ट मी। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनते हो, नो बडी रियली केयर्स। सेकेंड थिंग इज, अगर फियर ऑफ फेलियर है तो अगर आपको डर लग रहा है कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे, वो फियर से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, सो वॉट यू कैन डू इज कि एक चीज समझो, दैट इफ यू आर अफ्रेड टू फेल, देन बी सो अफ्रेड टू फेल दैट इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सक्सीड। मैंने बहुत टाइम पहले ये लाइन सुनी थी एंड इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ, कि अगर आपको फेलियर से डर लग रहा है ना, तो इतनी मेहनत करो कि आप फेल ही ना हो, अपने एफर्ट्स को डबल कर दो। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो एक बार ये सोचो, आप कभी कभी खुद को बोल देते हो कि यार फेल हो गए तो और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो एक बार ये सोच के देखो यार पास हो गए तो कितना मजा आ जाएगा, यार वो मूवमेंट को विजुअलाइज करो। सो सेल्फ डाउट करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वॉट यू से टू योर सेल्फ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, यू स्टार्ट बिलीविंग दैट। इसलिए अगर कोई चीज गलत सोच रहे हो ना, तो एक बार के लिए ना कुछ अच्छा भी सोच के देख लो यार कि पास हो जाएंगे तो कितना मजा आ जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज विजुअलाइजेशन। ये चीज मैं करती थी जब भी मैं सुबह पढ़ती थी, तभी मैं स्टार्टिंग के जो 10 मिनट थे तुरंत बुक खोल के नहीं बैठती थी। मैं सुबह 4 बजे जगती थी और जो इनिशियल 10 मिनट थे दिन के, मैं सिर्फ आंख बंद करके विजुअलाइज करती थी। मैं CA कर रही थी तो मैं ये विजुअलाइज करती थी कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई। आई यूज टू फील दैट हैप्पीनेस एवरी सिंगल डे, आई यूज टू फील दैट मोमेंट कि यार जब पास हो जाएंगे तब कितना मजा आ जाएगा, घर वाले कितने खुश है, एवरीवन। की डिग्री बाद में आती है, डिग्री इज जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, बट इंसान कुछ भी बनता है तो पहले दिमाग से बनता है। तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज रियल विजुअलाइजेशन, योर विजुअलाइजेशन बिकम्स योर रियलिटी। और ये मैंने खुद ट्राई किया है, टेस्ट किया है, सो दिस एक्चुअली वर्क्स। ये सोचो कि यार जब अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम पास हो जाओगे, क्या खुशी होगी यार, सब कितने खुश होंगे। अगर रोगे भी ना तो भी वो खुशी के आंसू होंगे। सो कुछ भी बनने से पहले, सबसे पहले दिमाग से बनो, तब आपको वो मोटिवेशन आएगा कि यार वो मोमेंट को जीने के लिए ना आप कुछ भी करोगे। मैं रिएक्शन वीडियोस देखती थी बहुत सारे इंटरनेट पे, कि यार इंसान CA बन गया, कोई भी अगर रिएक्शन वीडियो डाल रहा है रिजल्ट का, वो क्या खुशी होती थी। और मुझे ऐसा लगता था यार ये मोमेंट ना मुझे भी जीना है, और इस मोमेंट के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, एवरी सैक्रिफाइस विल बी वर्थ इट। इसलिए स्टार्ट विजुअलाइजिंग। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज सेट योर स्टडी टेबल। कभी कभी हमारे स्टडी टेबल के आसपास इतनी गंदगी होती है, इतनी सारी बुक्स होती है, या फिर क्लीन नहीं रहता है, कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। एक चीज समझो कि अगर आपके आसपास क्लटर है, या फिर अगर आपका स्टडी टेबल क्लीन नहीं है, तो अंदर भी क्लटर रहेगा, माइंड में भी क्लटर रहेगा। इसलिए पढ़े
करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टडी इन अ क्लीन एनवायरमेंट, हैव अ क्लीन स्टडी टेबल. अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो साथ में 10 सब्जेक्ट की बुक मत निकाल के रखो. जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट की बुक रखो, नहीं तो क्या होगा, दिख रहा है कि 10 सब्जेक्ट है, ओ टेंशन हो रही है कि यार इतना सारा पढ़ना है और वो पढ़ ही नहीं कर पाओगे. इसलिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट की बुक निकाल के रखो, दूसरे सारे सब्जेक्ट की बुक अंदर रखो एंड बी वेरी ऑर्गेनाइज. क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज रहोगे आपको बुक ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, आपको इजिली जल्दी से बुक्स मिल जाएगी, क्लटर नहीं रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, बीइंग अ स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो आसपास का एनवायरमेंट होता है, आपके जो आसपास के वाइब्स होते हैं, दैट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर स्टडी स्केड्यूल, या फिर आपका पढ़ाई करने का मन करे या ना करे. हमेशा ये नोटिस करना कि जितना क्लीन एनवायरमेंट रहेगा ना, या फिर जितना क्लीन सराउंडिंग रहेगा, आपका स्टडी टेबल रहेगा, उतना ही अच्छे से और शांति से आप पढ़ाई कर पाओगे. सो मेक श्योर दैट योर स्टडी टेबल इज क्लटर फ्री. टिप नंबर 4 इज वॉच रिविजन वीडियोस. कभी कभी हमारा पढ़ाई करने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमें आलस आता है कि बुक खोलो और उसमें से पढ़ाई करो. नाउ वॉट यू कैन डू इज कि वी ऑल हैव एक्सेस टू अ मोबाइल फोन और अ लैपटॉप, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी प्रोफेसर का रिविजन वीडियो देख सकते हो. इससे क्या हो रहा है कि आपको बुक खोल के नहीं बैठना पड़ रहा है, बट आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिविजन होता जाता है. बिकॉज अगर कोई प्रोफेसर ने ऑलरेडी पूरे टॉपिक का अगर रिविजन वीडियो डाला है तो कम टाइम में आप पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. इसमें क्या होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि बुक खोल के ही पढ़ना है. भले आप रिविजन वीडियो देख रहे हो, भले आप रिविजन लेक्चर देख रहे हो, तो भी आपकी पढ़ाई हो रही है. सो आई थिंक दिस इज अनदर इफेक्टिव वे हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग. क्योंकि रिविजन वीडियो देखना ईजी होता है, आप उसको 2x में भी देख सकते हो और अच्छे से फटाफट रिवाइज कर सकते हो. आई यूज टू फाइंड दिस वेरी इफेक्टिव. जब भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मैं कोई भी प्रोफेसर का रिविजन वीडियो सुन लेती थी और उससे मेरी पढ़ाई होती जाती थी विदाउट एक्चुअली सिटिंग विद अ बुक एंड स्टडी. नेक्स्ट इट वुड बी स्टडी फ्रॉम वॉल चार्ट्स. अब मैंने क्या किया था कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था या कोई थ्योरी था जो मुझे पता था कि मुझे रोज रिवाइज करना है या डेली पढ़ना पड़ेगा तभी याद रहेगा, तो पूरे मेरे रूम के वॉल पे मैंने वो नोट्स चिपका दिए थे सारी वॉल्स पे. मैं एक पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे. तो वो नोट से क्या होता था कि जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था या फिर जब मेरा ब्रेक टाइम होता था, मैं जाती थी कबर्ड पे भी लगा दिए थे, मिरर पे भी लगा देते थे, मतलब लिटरली मेरे रूम में सिर्फ और सिर्फ हर दीवार पे नोट्स थे. तो मैं जाती थी वो वॉल पे या फिर वो मिरर के पास और मैं वो रिवाइज कर लेती थी फटाफट. मतलब ब्रेक टाइम में पता है कि यार बाहर जाऊंगी तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा या फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहां पे वॉल पे गए, थोड़े फॉर्मुलाज रिवाइज कर लिए, थ्योरी कुछ है वो लर्न कर ली. तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप स्टडी टेबल से उठ रहे हो, आप अपना एनवायरमेंट चेंज कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए. एट द सेम टाइम बुक लेके नहीं बैठ रहे हो, बुक लेके खोलना नहीं पड़ रहा है, आप सामने बस रीड कर रहे हो उसको. और अगर कोई चीज रोज रीड भी करते जाओगे ना, उससे भी आपको लर्न होता जाएगा. इफ इट इज अलाउड फॉर यू टू टेक नोट्स ऑन योर स्टडी टेबल, ऑन योर बोर्ड और कबर्ड और एनीथिंग, तो आप ऐसे कर सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास की लिस्ट लगा सकते हो और रोज रोज उसको रिवाइज करो, ताकि जब आपका ब्रेक टाइम हो या फिर जब मन नहीं कर रहा हो पढ़ाई करने का, थोड़ा उठ गए तो भी आपका फटाफट से एक चार्ट पढ़ा और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रिवाइज करके. मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवॉर्ड योर सेल्फ व्हेन यू कंप्लीट योर स्टडी टारगेट्स. अपने आप के लिए टारगेट सेट करो. मे बी कि मैं 2 घंटे तक कंटिन्यूसली पढ़ूंगा या फिर ये टॉपिक मैं कंप्लीट करके ही उठूंगा. और अगर आपका वो टारगेट अचीव हो जाए, सो हैव स्मॉल मोटिवेशन. देखो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े मोटिवेशन ही मिले लाइफ में. छोटी छोटी चीजें भी अगर आपने अकम्प्लिश की ना, सो मेक श्योर दैट यू रिवॉर्ड योर सेल्फ. मे बी अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, टॉक टू दैट वन फ्रेंड फॉर 10 मिनट्स और हैव योर फेवरेट फूड और ईट एन आइसक्रीम. आई नो दिस साउंड सिली, बट अगर आपके पास यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, अगर आपके पास कोई रिवॉर्ड है, आपको पता है कि अगर मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैं ये चीज करूंगा और वो चीज एक्साइटिंग होगी, तो आपको जल्दी से मन करेगा कि जल्दी से अच्छे से इसको खत्म करो. इट कुड ऑल्सो भी कि अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप कोई सीरीज का एक एपिसोड देखोगे, बट देयर हैज टू बी डिसिप्लिन. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सीरीज का एपिसोड देखने की जगह 4 देख लिया, दैट डजंट मेक सेंस. तो हैव दी स्मॉल रिवॉर्ड. लास्ट स्टेप इज स्टॉप ओवर थिंकिंग. कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होते भी नहीं है जितनी हम दिमाग में बना लेते हैं कि फेल हो गए तो, ऐसा हो गया तो, घर वालों ने शादी कर दी थी. इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो यार. जितने तुम ओवर थिंकिंग करो ना, उतनी थोड़ी सी मेहनत भी कर लो ताकि प्रॉब्लम ही ना होगी. सो अगर ये सोच के डर रहे हो कि फेल हो गए तो एक बार ये सोचो कि यार पास हो गए तो क्या मजा आ जाएगा. तो इट इज एवरीथिंग इज माइंड सेट. आप जो सोचते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो सोचते हो वही आप बिलीव करते जाते हो और वैसे ही आपके एक्शन होते.
तो चेंज योर माइंड सेट, अपने आप को अफर्मेशन प्रैक्टिस करो, अच्छी चीजें बोलो ताकि आप अंदर से मोटिवेटेड रहो और जो भी करो ना उसमें अपना 100% दो एंड आई एम श्योर कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद समवन जिसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है या फिर जिनके एग्जाम्स आ रहे हो। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल जरूर मिलेगी मंजिल। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज सीएस गांधी साइनिंग ऑफ।